तो हेलो गाइस, कैसे हो? अभी मैं ओरिजिनल ड्रीमर। आज हम लोग खेलने वाले हैं इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम। गाइस ये गेम ऑलमोस्ट GT5 जैसे मैंने से खेल के कहा था, मुझे बहुत मजा आए थे। तो गाइस आपको भी मैं दिखाता हूँ, इसमें बहुत सारी इंडियन कार्स और बाइक्स हैं जो कि बहुत अच्छे से इसमें वर्क करती हैं। तो गाइस आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो वीडियो को देना लाइक, चैनल को देना सब्सक्राइब। नाउ लेट्स गो इनटू आवर गेम। तो बस हम लोग आ चुके हैं अपने इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम में, और आवाज़ थोड़ी कर लेते हैं कम, क्योंकि मुझे लगता है आवाज़ कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा तो अब चलते हैं ऐसे बाहर। ओ भाई गाइस, ये हमें बाहर अपनी फॉर्च्यूनर की गाड़ी मिलती है घर से निकलने पे, जो कि बहुत ही तगड़ी लग रही है। तो आप भी इसे चला सकते हैं, बस आपको इसके स्टीयरिंग वाले डोर के पास जाना है और ये कार का ऑप्शन आपको क्लिक कर देना है, फिर आप ये फॉर्च्यूनर चला सकते हैं बिल्कुल 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 आराम से, ऐसे मैं चला रहा हूँ। ये बहुत बड़ा मैप है, और अरे मैं सीधा फॉर्च्यूनर चलाने क्यों चला गया, मैं तो आपको अपना घर दिखाने वाला था। तो गाइस मैं आपको सबसे पहले अपना घर दिखा लेता हूँ, और इस बंदे का नाम है फ्रैंकलिन। जिन लोगों को याद होगा, जिन लोगों ने GT5 खेली होगी उन्हें तो पता ही होगा ये फ्रैंकलिन। और ये है अपना स्विमिंग पूल मास्क, इसमें हम आराम से स्विमिंग कर सकते हैं ईजीली। और अब स्विमिंग पूल से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हम कुछ हमने कुछ ज़्यादा ही नहा लिया है। सो अब हम चलते हैं अपने घर में। बस आप बताना कि आपको ये गेम कैसा लगा कमेंट में। ओके तो गाइस ये हमारा घर, ये हमारा ड्राइंग रूम कह सकते हैं, लिविंग रूम। और हाँ गाइस यहाँ पर बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। और हाँ गाइस अभी आपको अपना बेडरूम तो दिखाई दूँ जिससे मैं भाग के आ गया था। अच्छा ये क्या है भाई? तो गाइस ये जैसे ही आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा बेडरूम जिसमें बेड है, और ये रहा AC, सीधा बेड के ऊपर आराम से सोएंगे। और ये है पंखा, लेकिन पंखे की शेड यहाँ क्या कर रही है भाई? हेलो, तो लेट्स सी अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। चलते हैं इसके ऊपर, हम चढ़ सकते हैं क्या? चेक करते हैं। ओ गाइस हम इसके ऊपर चढ़ सकते हैं, और भाई क्या तगड़ी तरह से बंदा चढ़ रहा है, और ये गिर भी गया। वाह, तो गाइस जल्दी से उठते हैं। ओ भाई क्या है, खून। खैर छोड़ो भाई, पान मसाला लग रहा है, ऐसे गिरते गिरते पान मसाला चूक दिया। लेकिन अभी हम फिलहाल चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे हमारा एकदम तगड़ा वाला जिम जिसे हम चला नहीं सकते, पता नहीं क्यों, चला क्या बोल रहा हूँ, यूज़ नहीं कर सकते भाई। डम्बल फम्बल तो क्यों लाया है यार, उठाए इसको, बॉडी शॉडी दिखा दे, चढ़ रहे थे उनके ऊपर। और गाइस ये देखो आगे भी और सारी मशीनें हैं जिन्हें मुझे दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो चलती नहीं है। तो अब जल्दी चलते हैं अपने घर के बाहर। तो चलो गाइस अब मैं घर से बाहर तो आ गया हूँ, वो खड़ी अपनी फॉर्च्यूनर। लेकिन गाइस इस गेम में फॉर्च्यूनर से भी बहुत ओपी कार है, यानी कि सुपर कार समझ लो, जैसे कि आपको वो दिख रही है बुगाटी। और हाँ गाइस मैं बुगाटी नहीं, बहुत सारी कार है सुपर। देखो ये ऑडी है, ऑडी है ना या पोर्श, पता नहीं गाइस आप कमेंट में बताना। और ये हमारा सेल फोन जो कि हमें गेम प्रोवाइड करता है, और इसमें हमारे पास इतने ऐप्स जिसमें से बस 4 ऐप्स ही चलते हैं। कैमरा नहीं चलता, इंटरनेट नहीं चलता, मैप नहीं चलता, ईमेल नहीं चलता, बाकी ये चारों ऐप्स जो आपको दिख रहे होंगे ये लोग ये वाले ऐप्स चलते हैं, जैसे कि RGS टूल हो गया, देखो खुल रहा है ये, कॉन्टैक्ट्स हो गया, ट्रेन कंट्रोल, स्टिकी बॉम्ब कंट्रोल, और ये अपनी गैलरी की आउटफिट जिससे हम अपने बंदे कपड़े बदल सकते हैं। तो कपड़े बदल लेते हैं क्योंकि बनियान में घूमना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देखो गाइस इसमें बहुत सारे कपड़े हैं, और कैप भी बना सकते हैं बंदे को, ग्लास भी बना सकते हैं, शॉर्ट्स बदल सकते हैं इस बंदे के, हेयर भी बदल सकते हैं जो कि मुझे खास नहीं लग रहा, इसलिए मैं कैप ही पहन लेता हूँ। बैक फैक लगा कर सकते हैं, लेकिन बैक फैक हमें पसंद नहीं है। तो गाइस हमारा बंदा अब और OP बन चुका है। अच्छा और गाइस मैं आपको सिटी थोड़ी सी एक्सप्लोर करा देता हूँ। तो गाइस जिस एरिया में मैं जा रहा हूँ वो है पुलिस स्टेशन, और भाई आपको यहाँ पर पुलिस खड़ी हुई दिख रही होगी, देखो वो खड़ी है, वही है पूरा पुलिस स्टेशन, जैसे कि आपको दिख रहा होगा पुलिस स्टेशन है ये, और ये खड़ी है पुलिस। नमस्ते, ये देखो गाइस इधर की रखवाली कर रहे, तो हम अंदर जाके मैं आपको थोड़ा एक्सप्लोर करा देता हूँ। तो पुलिस स्टेशन में घुसती आपको दिखता है ये रिसेप्शन, और मैं रिसेप्शन के मुँह पे क्यों खड़ा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं पता। और ये रहे कुछ पुलिस वाले जो यहाँ पर बैठे हैं, और मैं इन पर चढ़ चढ़ के जा रहा हूँ, लेकिन ये मुझे कुछ भी नहीं कर रहे। और ये बैठे हैं फरियादी जो कि अपनी FIR लिखाने आए होंगे। ओ भाई ये भाई दोनों जुड़वा भाई हैं,
ऐसा ही तो लग रहा है। और वो देखो उधर भी एक बंदा बैठा है इनकी तरह, इनका तीसरा जुड़वा भाई लग रहा है मुझे। और एक गैस आपको दिख रहा होगा कैदी, गैस इसके अंदर जेल के अंदर एक क्रिमिनल भी बैठा है, पता नहीं इसने क्या क्राइम करा है। हाँ पर इस कुछ को करा होगा तभी तो जेल के अंदर है। और अभी हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे, और हालांकि इस गेम में अपडेट आया तभी जाके सेकंड फ्लोर खुला है आपको बता दूं मैं। और इस सेकंड फ्लोर पे अभी कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है अगले अपडेट में इसमें कुछ ना कुछ तो पक्का आएगा। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि ये जगह तो खाली है, और हम चलते हैं दूसरी जगह। तो गाइस जाते जाते मैं आपको बता दूं इस गेम में बहुत सारी कारें हैं तो उनका भी अलग अलग चीट कोड्स होगा। तो गाइस आपको मैं एक कार के बारे में बता देता हूं जिसका नाम है महिंद्रा थार, तो आपको पता ही होगी। और उसका चीट कोड है 9191, इसे डायल करते ही हमारे सामने आ जाएगी हमारी थार रेड कलर की। लेकिन हम इसका कलर भी दे सकते हैं गैलरी से, ये देखो येलो ग्रीन ब्लू वायलेट रेड ऑरेंज ब्लैक वाइट और भी बहुत सारे। तो मुझे तो स्पेशली रेड पसंद है तो मैं रेड वाली थार में बैठ जाता हूँ। आप भी कमेंट करके बताना कि आपको कौन से कलर की थार पसंद है। और हम यहाँ से चलते हैं पुलिस स्टेशन से। गाइस ये है हमारी थार और ये लैम्बोर्गिनी, और इसमें टक्कर हो गई भाई। गाइस हमारी थार का कुछ अर्जा पर्जा तो नहीं हिला, हाँ कुछ नहीं हुआ। चलो ये डोर क्यों खुल रहा है भाई, बंद करो डोर में लॉक लगाओ। गाइस ये है हमारा सिटी का एयरपोर्ट, बहुत छोटा एयरपोर्ट है वैसे तो। और ये एक छोटा सा प्लेन जिसे हम उड़ा सकते हैं, जिसे हम बाद में उड़ाएंगे। और ये एक ओपन ग्राउंड जिसमें घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बस अपनी गाड़ी चला सकते हैं। तो ऐसे गेम टाइम पास के लिए बहुत बढ़िया गेम है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना, मैं तो बोल रहा हूँ आई विल रिकमेंडेड यू कि आप इस गेम को खेलें अपने फ्री टाइम में। ये देखो गाइस यहाँ पर रैंप भी है जिससे हम उड़ा सकते हैं, लेकिन हमारी थार क्यों गिर रही है भाई। गाइस चलो गाइस थार तो बहुत चला ली, अब थार से बाहर निकल लेते हैं। और हमारा बंदा थार से, अरे भाई कैसे बाहर निकला है, तो गिर गया वो भाई। गाइस हमारी थार तो देखो कैसे खड़ी है। और गाइस हमारे पास में वेपन्स भी होते हैं जैसे कि पिस्टल, AK-47, RPG, स्नाइपर और ये नॉर्मल बुक्का जो अभी हमारे पास है जो कि ये बंदा मार रहा है, और ये स्टिकी बॉम्ब जिसका कंट्रोल हमारे मोबाइल में है। तो बस अभी हम चलाते हैं रॉकेट लॉन्चर जो कि मुझे बहुत तगड़ा दिख रहा है, और इससे हम इसको शूट कर सकते हैं बटन से एज ए बूम। और रुक जाओ मिस हो गया बूम, और हमारी थार जल चुकी है। और गाइस देखो वहाँ पर एक और रैंप हो गए, छोटी मोटी सिटी नहीं है, बहुत बड़ी सिटी जिसे एक्सप्लोर करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, और इस सिटी में भर भर के रैंप है। गाइस चलो अभी हम एक और चीज़ मंगाते हैं, इसका नाम है हायाबूसा बाइक। आप लोग जिन लोगों को इस बाइक के बारे में पता है वो कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ गाइस ये बाइक बहुत तगड़ी दिखती है इसलिए मेरे को अच्छी भी लगती है। और इसका आपका फेवरेट कलर कौन सा है ये भी आप ज़रूर कमेंट में बताना हायाबूसा बाइक के साथ लिख के। और ये देखो गाइस एक और लैम्बोर्गिनी, यहाँ के बहुत अमीर है यार लोग। देखो एक और लैम्बोर्गिनी भाई, सबके पास लैम्बोर्गिनी है, ऑडी है, और ये रेड वाली कार का नाम पता नहीं क्या है, कोइग्नेस करके कुछ होता है, कैसे मुझे याद नहीं है। हाँ लेकिन गाइस ऑफ रोडिंग, और मैंने बातों बातों में ध्यान दे दिया, हमारी बाइक एक बुगाटी के सामने आ गई और हम टकरा के हमारा एक्सीडेंट हो गया भाई। इस बुगाटी वाले को तो बताना ही पड़ेगा क्यों रे बुगाटी वाले हमसे पंगा लेगा। गाइस देखो उसका पीछे का पार्ट भी गिर गया, लेकिन हम इसको नहीं छोड़ने वाले, और हमने इसकी बुगाटी को दिया ब्लास्ट, और हमारी हायाबूसा भी टूट गई इसकी वजह से यार। सही हुआ इस बंदे के साथ। वो देखो एक ऑडी आ रही है या फिर पोर्श पता नहीं क्या है वो। तो अभी हमें एक और गाड़ी मंगानी होगी, तो गाइस इस बार हम मंगाएंगे स्कॉर्पियो जिसका कोड है 333, तो ये आ जाएगी। तो गाइस अब इसमें हम बैठेंगे आराम से और चलेंगे अपनी नई लोकेशन पे। तो गाइस मुझे दिख रहा है सामने से एक बहुत ही तगड़ा रैंप, तो गाइस चलो इस पे जाते हैं और इसे यूज करते हैं रैंप। वो भाई गाइस हमारी स्कॉर्पियो तो गई भाई, लेकिन गाइस हमने इस रैंप को भी अच्छे से कंप्लीट कर लिए, और ये बंदे घूम रहे हैं NPCs कह लो आप इन्हें। अरे 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 भाई ड्रिफ्ट नहीं मारनी मुझे, अपनी स्कॉर्पियो की नई नई खरीद के आया हूँ। तो गाइस जैसे कि आपको दिख रहा हो भाई क्या तगड़े तगड़े रैंप हैं सिटी में, तो अभी हमें अपना एक्सीडेंट करना है वरना फालतू का पंगा हो जाएगा। और देखो यहाँ पर एक और रैंप जा रहा है ऊपर, चलो यहाँ से चलते हैं गाइस, मैं देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। और हमारी स्कॉर्पियो यहाँ पर नहीं चढ़ पाएगी, मे बी इसके लिए हमें कोई पावरफुल सी बाइक चाहिए। और गाइस इसमें बहुत सारी कार्स हैं, मतलब बहुत सारी बाइक्स कार्स हैं इस गेम में भाई। मतलब इसमें निंजा कावासाकी H2R भी है भाई, मतलब गाइस मैं क्या ही कहूँ। और ये देखो एक और
रैम नहीं यार इसमें इस भाई हमारी स्कॉर्पियो बहुत हैवी है इसलिए उड़ नहीं पा रही। बस अभी हम अपनी स्कॉर्पियो से बाहर निकलते हैं और चलते हैं एक और नई जगह, लेकिन हम उसे खाली मतलब पैदल नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत दूर है, हमें घंटे लग जाएंगे। तो क्यों ना हम चले, रुक जाओ गलती से रॉन्ग कोड लग गया, क्यों ना हम चले इसे। अरे क्या हो गया भाई, मैंने कुछ और कह दिया तो स्काई फॉल हो रहा है, यानी कि हम हवा आसमान से गिर के मरने वाले हैं। शिट यार गिर गए, वेस्ट हो गया गाइस हम लोग, मतलब वेस्ट क्या बोल रहा हूँ। तो गाइस मैंने इस गेम को कर दिया है रीस्टार्ट, तो अब चलते हैं यहाँ से। अब इस बार अपनी फॉर्चुनर लेके ही चलेंगे, क्योंकि इस गेम में एक रेलवे स्टेशन में रेलवे स्टेशन भी है जिसमें है एक इंडियन ट्रेन, जैसे हमारे इंडिया के रेलवे स्टेशनों में होती है। तो अब चलते हैं ऐसे चलते हैं और NPCs हेलो कैसे हो। तो गाइस यहाँ पर एक और रैंप है, मुझे इस पर बिल्कुल नहीं जाना, और ये बंदा मैंने उड़ा दिया, एक बंदी भी मैंने उड़ा दी, सब मैं उड़ा रहा हूँ। और ये भाई ये बंदा अपनी गाड़ी के गेट बंद क्यों नहीं कर दो, भाई डिग्गी भी खुल रही है, पूरी गाड़ी ऊपर चला रहा है और हमने सारे पेड़ फेड़ तोड़ दिए, भाई क्या चल रहा है। गाइस तुम्हारी पूरी उड़ गई लॉल, मैंने क्या ऑन कर दिया एक मिनट। हाँ भाई वो गाइस अगर आप इस किसी भी NPC को या फिर पुलिस वाले को पुलिस स्टेशन में जाके शूट करते हो किसी भी गन से, तो गाइस आपके पीछे इसमें GTA 5 की तरह पुलिस भी पीछे पड़ जाती है। गाइस ये बहुत ही ओपी गेम है, और देखो बस रोड पे बस सुपर कार ही चलती मिलेंगी, वरना थार फार तो इस यहाँ की वो नहीं है। तो गाइस बात करते करते हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन तक, और ये वो इंडियन ट्रेन जिसकी मैं बात कर रहा था, और मैं बच गया भाई, गाइस मैं बच गया। फॉर्चुनर तो वो हो गया एकदम तबाह भाई, गाइस इसको तो हमें जलाना ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे किसी काम की नहीं है। बस ये हमारी ट्रेन जैसे आपको दिख रहा है, ये हमारा कल्याण जंक्शन। अच्छा, और हम इसको अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं ट्रेन को, ट्रेन कंट्रोल्स के द्वारा, और लेकिन हमें ये करना नहीं है, आपको मैं खुद ट्रेन चला के दिखाऊंगा। तो गाइस चलो हम ट्रेन चलाते हैं, इस पे इसके पास जाके बस हमें ट्रेन का बटन दबा देना है, जिससे हम ट्रेन में बैठ जाएंगे और हम ट्रेन को भी चला पाएंगे। एक मिनट, ट्रेन चल जा। तो गाइस हमने चला दिया ट्रेन, हम इसका फोन भी बना सकते हैं एकदम तगड़ी तरह से, लेकिन अभी हमने ट्रेन को बाद में चलाएंगे कि ये बहुत ही बड़ा वो है मैप, इसलिए इसको वापस आने में टाइम लग जाएगा। ये जुरासिक पार्क, इसमें हम अभी तो नहीं जा रहे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक और कोड 50, जिससे आता है एक वेलोसीरैप्टर नाम का नामक डायनासोर, जो कि बहुत बावला लग रहा है, लेकिन हम इस पर बैठ भी सकते हैं अगर हम 50-50 डायल करेंगे तो। ये देखो गाइस हम इस डायनासोर पे बैठ सकते हैं 50-50 डायल करके, और वो डायनासोर तो बस ऐसे ही घूमता रहेगा। बस इसमें और भी डायनासोर के कोड हैं जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए तो भाई आपको मैं एक बोनस कोड बता देता हूँ इस वीडियो का, जो कि है 5555, यानी कि 4×5। तो गाइस आप कमेंट बताना इस कोड को ट्राई करके आपको कौन सी बाइक मिली। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो गाइस इंडियन बाइक्स की वीडियो आती रहेंगी जैसे जैसे आप इस पर व्यूज लाते रहेंगे। तो गाइस मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।